नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले और कोई भी जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित न रहे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,22,00,000 से अधिक मकानों की मंजूरी दी। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसद अनुचित व्यवहार के कारण पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। आज कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सभा को कुवैत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। भारतीय शांति सैनिकों ने कांगो में सशस्त्र गुटों की लूटपाट की कोशिश नाकाम की। भारत के इंद्रमित गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए। और 13 दिन से चल रही कांवड़ यात्रा आज संपन्न होगी। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसके खिलाफ ब्रिटिश शासन ने 1928 में तत्कालीन साउथ इंडियन रेलवे में हड़ताल आयोजित करने पर मुकदमा चलाया था। इस स्वतंत्रता सेनानी ने देश में पहली बार मई दिवस का भी आयोजन किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है एम सिंगरा वेलर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं सिक्किम में ग्याल सिंह जिले के सुबैया गाउंदर। यह आजादी का अमृत महोत्सव क्विज जो आकाशवाणी द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसमें हमें नए और अनजाने और चेहरों को या नायकों को जो हमारे स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कुर्बान की उनके बारे में हमें इस द्वारा पता चला और जो भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग क्षेत्र से हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की उनके बारे में भी ज्यादा जानकारी मिल रही है। इससे हमारी देशभक्ति भावना में बढ़ावा मिलती है। इसके लिए आकाशवाणी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 100वां एडिशन इस क्विज इस जिन प्रश्नोत्तरी में हम पहुंच गए हैं इसके लिए मैं आकाशवाणी को बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 100वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने चिट्टागोंग आर्मरी रेडर्स रेमिनिसेंसेज यानी चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, किस क्रांतिकारी ने चिट्टागोंग आर्मरी रेडर्स रेमिनिसेंसेज यानी चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन ले, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले और कोई भी जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री कल कानपुर में समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। साथियों, समाज की सेवा के लिए ये भी आवश्यक है कि हम सामाजिक न्याय की भावना को स्वीकार करें, उसे अंगीकार करें। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये समझना और इस दिशा में बढ़ना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, जीवन की मौलिक जरूरतों से कोई भी वंचित न रहे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, दिव्यांग जब आगे आएंगे तभी देश आगे जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में वैचारिक या राजनीतिक लाभ को समाज और देश के लाभ से ऊपर रखने की एक प्रवृत्ति शुरू हुई है जो देश के हित में नहीं है। हमारे यहाँ देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। हालांकि हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि किसी भी पार्टी या व्यक्ति का विरोध राष्ट्र के विरोध में न बदलने पाए। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती है लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पिछले वर्ष चौधरी हरमोहन सिंह यादव की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। हरमोहन सिंह यादव लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और विधायक, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने कानपुर और उसके आसपास कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,22,00,000 से अधिक मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सभी के लिए मकान की परिकल्पना के साथ शहरी लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराना है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वीकृत मकानों में से करीब 1,02,00,000 मकान निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि 61,00,000 से अधिक मकान बन चुके हैं और लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से संबद्ध संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। इन सांसदों में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा, तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद जी के वासन तथा बिहार से राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। इन सांसदों ने श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए योग्य और श्रेष्ठ उम्मीदवार बताया। इनके अलावा कई विशिष्ट अतिथियों, किसानों और खाप पंचायतों के सदस्यों ने भी श्री धनखड़ से मुलाकात की और उनके नामांकन को देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी मृदा लिमिटेड का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश में उर्वरक प्रबंधन उपायों को मजबूत करना है। इस अवसर पर मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बलियान और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी ने इस वर्ष पहली जुलाई को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एनडीडीबी मृदा लिमिटेड की स्थापना की है। इस अवसर पर श्री रूपाला ने कहा कि एनडीडीबी मृदा लिमिटेड दुग्ध उत्पादक किसानों को गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय सृजित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये नई कंपनी उर्वरक प्रबंधन प्रयासों को नई गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के मुख्यालय भवन के आधारशिला रखेंगे। ये प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विकास और विनियम के लिए एकीकृत विनियामक है। इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रमुखता और संरचना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ई दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in में लॉगिन करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों को अनुचित आचरण के कारण मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। इन पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है। निलंबित सांसद विपक्ष के अन्य सदस्यों के साथ अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद मूल्य वृद्धि के खिलाफ नारे लगा रहे थे और तख्तियां लहरा रहे थे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, रामया हरिदास, ज्योति मणि और टीएन प्रथपन को निलंबित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में आज फिर पूछताछ करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए निदेशालय के समक्ष आज दिन में पेश होंगी। इससे पहले 21 जुलाई को उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उन्होंने 28 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये जांच कांग्रेस समर्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसके पास नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक है। इस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी के बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 5 बार पूछताछ की जा चुकी है। वर्ष 2013 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत के आधार पर यंग इंडियन के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर सत्याग्रह करने के कांग्रेस के अनुरोध को खारिज कर दिया और क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। नियुक्ति घोटाले के दौरान पार्थ चैटर्जी के पास शिक्षा विभाग था, जिसमें राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में रूपये के बदले शिक्षक नियुक्त किए गए। पार्थ चैटर्जी को कथित शिक्षक घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पास से आय से अधिक कई संपत्तियों का खुलासा किया था। इसमें पश्चिम बंगाल के डायमंड सिटी में 3 फ्लैट शामिल हैं।
पार्थो चैटर्जी की गिरफ्तारी उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता निवास से 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण बरामद होने के बाद की गई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले और कोई भी जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित न रहे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,22,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसद अनुचित व्यवहार के कारण पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। आज करगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। भारतीय शांति सैनिकों ने कांगो में सशस्त्र गुटों की लूटपाट की कोशिश नाकाम की। भारत के इंद्रमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए और 13 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा आज संपन्न होगी। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 1.5 करोड़ से अधिक मकानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को जनता तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलों में स्व सहायता समूहों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए सिर्फ इंदौर जिले में ही 8,00,000 तिरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 5,00,000 तिरंगों का निर्माण शहरी और ग्रामीण स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। भोपाल में भी स्व सहायता समूहों को 3,00,000 से अधिक ध्वज बनाने का काम सौंपा गया है। उधर राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, घुमंतू व्यक्तियों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ग्राम पंचायत स्तर से ध्वज निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राज्य के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश भर में आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र कारगिल विजय दिवस पर युद्धनायकों को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक रिपोर्ट। '99 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने करगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। करगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला था और अपने क्षेत्रों पर भारत के फिर से नियंत्रण होने के साथ समाप्त हुआ था। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में करगिल युद्ध लड़ा था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। सुश्री मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी सशस्त्र बलों और उनके परिवार के सदस्यों के हमेशा ऋणी रहेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। श्री सिंह ने कहा कि उनकी वीरता और अदम्य भावना को भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि वे दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा आगे ले जाने के लिए उनके साथ काम करने के इच्छुक हैं। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गिल अमरीकी अर्थशास्त्री कार्मिन रीनहार्ट का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में श्री गिल इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशंस के उपाध्यक्ष हैं, जहां वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऋण, व्यापार, निर्धनता और प्रशासन विभाग के प्रभारी हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलबास ने कहा है कि इस पद पर श्री गिल की नियुक्ति से आर्थिक असंतुलन, आर्थिक वृद्धि, निर्धनता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सरकारों के साथ काम करने की उनकी नेतृत्व क्षमता, विशेषज्ञता और व्यावहारिकता अनुभवों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकासात्मक अर्थशास्त्र में इंद्रमीत गिल का बौद्धिक योगदान सराहनीय रहा है। श्री गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम करने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले श्री कौशिक बसु 2012 से लेकर 2016 तक विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री थे। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में शामिल भारतीय सेना के शांति रक्षकों ने कांगो गणराज्य में सशस्त्र गुटों की लूटपाट की कोशिश नाकाम कर दी है। इन गुटों ने भारतीय सेना के संचालन केंद्र और लेवल 3 अस्पताल सहित बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र की परिसंपत्तियां लूटने की कोशिश की थी। भारतीय शांति रक्षकों ने अपने तैनाती स्थलों पर संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। भारतीय शांति सैनिकों की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश और तैनाती नियमों के अनुरूप है। दिल्ली सहित देश के कई भागों में 13 दिन से चल रही कांवड़ यात्रा आज संपन्न हो जाएगी। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद हुई है। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष से यह यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस वर्ष की यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िये शामिल हुए। कई गैर सरकारी संगठन यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए आगे आए और उनके ठहरने तथा खान पान की व्यवस्था की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय संघ कांग्रेस से पहले के संगठनों में सबसे शक्तिशाली संगठन यही था। उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगे, जिससे राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई। इसी से राजनीतिक संघों और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ। 1875 में शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना की दिशा में काम करने के लिए द इंडिया लीग की स्थापना की। हालांकि लीग का विघटन हो गया और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को अपने दोस्त आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसे साझा राजनीतिक आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय लोगों की एकता के लिए बनाया गया था। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में कमी पर आपत्ति प्रकट की थी।
एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत की। इंडियन एसोसिएशन ने दमनकारी शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्लस अधिनियम को निरस्त करने के अभियान का भी नेतृत्व किया। इंडियन एसोसिएशन ने बंगाल और बंगाल के बाहर अन्य कस्बों और शहरों में शाखाएं स्थापित की। समाज के चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 26 जुलाई 1904 को बिहार में हुआ था। मालती देवी गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थीं। शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान वे अपने भावी पति से मिलीं और वे दोनों वर्तमान ओडिशा में स्थानांतरित हो गए। इसके तुरंत बाद नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और मालती देवी चौधरी ने खुद को आंदोलन में झोंक दिया। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ कृषक आंदोलन में हिस्सा लिया। ने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में और उत्कल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा की भूमिका पर जोर देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण पुनर्निर्माण में वयस्क शिक्षा पर बल दिया। वो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी शामिल हुई। 15 मार्च 1998 को मालती देवी चौधरी का निधन हो गया। भारत की महान बेटी को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम इस्माइल खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के निवासी थे। उन्होंने 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में भाग लिया और ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने और कंपनी राज को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लोगों का नेतृत्व भी किया। इस्माइल को मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्तियों को लूटने और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 7 मार्च 1859 को अंडमान द्वीप समूह ले जाया गया, जहां 26 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शहीद इस्माइल खान को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर बोली। और मनोज, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, द्रौपदी मुर्मू के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में छाई हुई है। अमर उजाला कहता है, सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास में जुड़ा सुनहरा पन्ना। राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों में श्री मुर्मू के इस संबोधन को दिया है कि गरीब सपने भी देख सकता है और पूरे भी कर सकता है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, श्रीमती मुर्मू ने कहा, अमृत काल की सिद्धि का रास्ता दो पटरी पर बढ़ेगा, सबका प्रयास सबका कर्तव्य। हिंदुस्तान के शब्द हैं, संघर्ष सादगी और संकल्प से कोई बनता है, द्रौपदी मुर्मू। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस क्रांतिकारी ने चिटगांव आर्मरी रेडर्स रेमिनसेंसेस यानी चटगांव शस्त्रागार हमलावर संस्मरण पुस्तक लिखी थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी।
लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसद अनुचित व्यवहार के कारण पूरे मानसून सत्र से निलंबित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में 3 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में और आज करगिल विजय दिवस है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।